प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 दिसंबर को एक बार फिर से पूर्वांचल के दौरे पर आ रहे हैं और उनका यह दौरा इस बार बेहद खास है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री गाजीपुर से अपने इस दौरे की शुरुआत करेंगे और उसके बाद अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगे, जहां करोड़ों की सौगात वो देंगे। उन्होंने विश्व स्तरीय रिसर्च का केंद्र बनारस में बने उनकी पहल है और इस चावल अनुसंधान केंद्र जो उनकी प्रेरणा से यहां बना है इस जगह उसका शुभारंभ करने आ रहे हैं। ये 29 तारीख का प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है और दो स्थानों पे कार्यक्रम है, उसके लिए हम लोगों ने तैयारियां की है। अन्य जनपदों से जो कोर्स की डिमांड होती है वो चली गई है और उसके अनुसार पूरा हमने डिप्लॉयमेंट प्लान पूरी तरह से तैयार किया है। ट्रैफिक की भी व्यवस्था के बारे में जो है पूरा रिव्यू किया गया है, पार्किंग की व्यवस्था को भी रिव्यू किया गया है। एसपीजी के साथ एएसएल भी कल पूरा हो गया है और जो भी प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के मानक है उनका पूरी तरह से पालन करते हुए कोशिश ये रहेगी कि पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था अच्छी रहे और पूरी तरह से हम लोग अलर्ट है। सारे इंटेलिजेंस इनपुट को भी प्रोसेस किया जा रहा है और उसके अनुसार तैयारी भी की जा रही है।